फिजिकली रिफाइंड ऑयल है, जो दूसरे तेल आते हैं वो होते हैं केमिकली रिफाइंड, ठीक है। केमिकल के जरिए उन्हें रिफाइन किया जाता है, रिफाइन यानी कि उनका स्वाद हटाया जाता है, उनकी खुशबू जो महक होती है महक हटाई जाती है, उनका जो अपना रंग होता है तेल का वो हटाया जाता है, ठीक है। रिफाइंड ऑयल आप देखेंगे लगभग लगभग सभी एक ही रंग के होते हैं, उनकी कोई खास एक खुशबू नहीं होती, जैसे सरसों के तेल की अपनी खुशबू होती है ना, ऐसे ही हर किसी भी चीज का आप तेल निकालेंगे, चाहे वो नारियल हो, सोयाबीन हो, मूंगफली हो, हर चीज के तेल की एक अलग खुशबू होती है, एक अलग स्वाद होता है। लेकिन रिफाइंड ऑयल जो भी आप देखेंगे उनकी ना खुशबू होगी, ना स्वाद होगा, ना रंग होगा, क्यों? क्योंकि उन्हें एक केमिकल के जरिए रिफाइन किया जाता है। चलो ठीक है, करते हैं तो भी ठीक है, मान लिया, लेकिन जो केमिकल है ना, बड़ा ही मैं क्या ही बोलूं, बड़ा ही बदनाम केमिकल है, ठीक है। उस केमिकल का नाम मैं चैट में लिख देता हूं, उसका नाम है एन फॉर नागपुर, हेक्सेन, ठीक है जी। अब जैसे हम दूध पीते हैं तो कहते हैं ताकत मिलती है, सुना होगा आपने, है ना। पालक खाते हैं तो कहते हैं आयरन मिलता है, खून बनता है, सुना होगा आपने। हेक्सेन जब हम खाते हैं तो कोई कुछ अंदाजा लगाना चाहेगा क्या होता है, कोई भी आपके मन में जो भी गैस आए तुक्का मारे, अंदाजा लगाना चाहे, आप चैट में लगा कर देखें, देखते हैं कि किसी ने बोला बीमारी होती है, चलिए सही बात ही है, देखा जाए तो बीमारी ही होती है। किसी ने बोला है कोलेस्ट्रॉल बनता है, चलिए ठीक है। किसी ने बोला गैस बनता है, ठीक है जी। और थोड़े अंदाजे दो चार और देख लेते हैं, रोग होता है, हाँ रोग तो होता ही है, कौन सा होता है कौन सा नहीं होता, चंदन चौहान जी ने लिखा है, जहां पर भी चंदन चौहान जी, उन्हें थम्स अप, उन्होंने बोला है कैंसर होता है। क्या होता है, एक बार जोर से बोलेंगे सभी, कैंसर, विपिन शाह जी सही कह रहे हैं, कैंसर होता है, ठीक है। और देखिए जो कंपनी तेल रिफाइन कर रही है उसको भी पता है कि इस केमिकल से कैंसर हो रहा है, हमारे देश की सरकार को भी पता है कि इस चीज से कैंसर हो रहा है, विश्व भर में हर सरकार को पता है कि इससे कैंसर हो रहा है, लेकिन फिर भी इसके बिना तेल की रिफाइनिंग नहीं होती है केमिकल के तरीके से, तो सरकारों ने बोल दिया है ठीक है आप डालो, लेकिन मात्रा कम डालो, आप डालो जहर डाल दो लेकिन उसकी मात्रा कम कर दो। सोचे क्या ये बात सही है, कमल मलिक जी समझ रहे हैं, हंस रहे हैं, ये बहुत गंभीर बात है, इसलिए वो हंस रहे हैं क्योंकि कितना बड़ा एक विरोधाभास है ना, हम तेल में जहर खा रहे हैं, सरकारों ने बोल दिया डाल दो, पर थोड़ा डाल दो कोई बात नहीं, होता क्या है कैंसर। और तेल रिफाइंड ऑयल हर व्यक्ति खाता है, बच्चा है वो भी खाता है, 80 साल का बुजुर्ग है वो भी खाता है, दिन में एक बार नहीं दो बार खाता है, तीन बार खाता है, कभी आप बाहर का भोजन करेंगे तो और भी घटिया क्वालिटी का तेल होगा, है ना, होगा वो भी रिफाइंड पर वो और भी घटिया क्वालिटी का होगा, मानते हैं आप इस बात को। तो अब आप सोचें, अभी हाल ही में विश्व कैंसर दिवस मनाया गया था, तब घोषित किया गया कि अब भारत विश्व की कैंसर कैपिटल भी बन गया है, डायबिटीज की कैपिटल तो था पर अब भारत विश्व भर की कैंसर कैपिटल बन गया है, क्योंकि हर साल भारत में 12 से 13 लाख कैंसर के रोगी नए आ रहे हैं, हर साल 12-13 लाख कैंसर के रोगी। और पाम ऑयल अगर कोई यूज करता है वो बहुत ही
बुरी बात है कमल जी, आप भी ध्यान दें, आपका जवाब है पाम ऑयल बहुत खतरनाक चीज है। हाँ नहीं कर, अच्छा आप कह रहे हैं दूसरे वाले लोग करते हैं जो बिस्किट नमकीन बनाते हैं। हाँ ठीक, एकदम सही, पाम ऑयल तो और भी खतरनाक है, और वो भी केमिकल से ही रिफाइन होता है, ऐसा नहीं है वो नहीं होता, वो भी केमिकल से रिफाइन होता है, ठीक है ना। तो आप खुद सोचिए, जो तेल बच्चा और बुजुर्ग सभी खा रहे हैं, दिन में 2-3 बार खा रहे हैं, तो मुझे ये लगता है 12-13 लाख जो कैंसर के रोगी हैं, उसमें से चाहे 10 हजार ही क्यों ना हो, 12 हजार ही क्यों ना हो, तेल की वजह से कैंसर वाले रोगी कम से कम इतने तो होंगे। तो अब यहां पर आपने क्या करना है, जो जो व्यक्ति इस फिजिकली रिफाइंड ऑयल जो SLPS का है, इसका प्रयोग कर रहे हैं, एक बार हाथ खड़ा करेंगे। हाँ कमल मलिक जी तो मुझे पता था, वेरी गुड बहादुर पाल जी करते हैं, ठीक है जी, और कौन कौन है जो करते हैं इस वाले तेल का घर पर, जो SKJV साहब है, वेरी गुड जी, भैया पाल जी, वेरी गुड, AWPL नरिता होरो जी है, अब वो आप दोनों भी करते हैं, वेरी गुड जी, और कौन कौन है देखिए, सफाई डी के पाल साहब है, MAN साहब है, सोनू गुप्ता जी है, रेडमी जी है, रेडमी जी आप अपने फोन के नाम की जगह अपना नाम लिखे, प्राणराज साहब तो दो दो हाथ खड़े कर रहे हैं, वेरी गुड जी, आपने तभी इतने अच्छे से जवाब दिया था मेरे साथ साथ बोले थे, सुरेंद्र पटेल जी भी करते हैं, वेरी गुड, तो बहुत सारे लोग हैं, सक्षम साहब करते हैं, स्वामीनाथ जी करते हैं, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, राधे श्याम AWPL साहब करते हैं। अब जो इसका प्रयोग कर रहे हैं उनको तो थम्स अप, आपने थोड़ा सा अच्छा निर्णय लिया है, आप अपने परिवार के लिए एक अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन जो व्यक्ति अभी इस तेल को प्रयोग में नहीं ला रहे हैं, आपको एक मैं छोटा सा होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है, छोटा सा काम है, जो भी तेल आपके घर में प्रयोग हो रहा है, जो भी जिसमें अभी आप सही सब्जी बनाते हैं, उसको आप चेक करें, चाहे उसकी थैली है, बॉटल है या फिर कैनी है, आप चेक करें कि केमिकली रिफाइंड है या फिजिकली रिफाइंड है, लिखा होना चाहिए। और अगर नहीं लिखा है, फिजिकली रिफाइंड नहीं लिखा है, तो मान लीजिएगा वो केमिकली रिफाइंड ही है। मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लेना चाह रहा, इसलिए मैं आपको दायित्व दे रहा हूं, आपको होमवर्क दे रहा हूं कि आप खुद से देखें, जो भी कंपनी का आप तेल प्रयोग में कर रहे हैं उसको चेक करें, वो फिजिकली रिफाइंड है केमिकली, अगर उसके ऊपर कुछ खास अलग से नहीं लिखा तो वो केमिकली रिफाइंड है, और अगर वो केमिकली है तो आप थोड़े से ज्यादा सतर्क हो जाएं, आपको शायद से पहले इसका नुकसान ना पता हो, लेकिन अगर अब पता चल गया है तो प्लीज थोड़ा अच्छा निर्णय लीजिएगा, अपने लिए अपने परिवार के लिए अच्छे तेल का इस्तेमाल करें, क्योंकि ऐसी चीज है जिसके बिना किसी घर का भोजन नहीं बनता है, तो अच्छा तेल खाएं और देख लें जरूर कि आपका जो प्रयोग अभी तेल में आ रहा है वो तेल कितना अच्छा है, फिजिकली रिफाइंड है, चाहे किसी और कंपनी का हो, मान लिया अच्छी बात है आपने अच्छा निर्णय लिया, लेकिन अगर केमिकली रिफाइंड है तो थोड़ा सा ध्यान आपने ज्यादा देना है। फिर हमारा जो AWPL का तेल है, इसका मैंने आपको बताया, आप ध्यान से, फिजिकली रिफाइंड के ऊपर मैंने इसीलिए जोर डलवाया था क्योंकि यहाँ पर उस केमिकल का प्रयोग नहीं किया है, ये जो तेल है ये फिजिकल तरीके से रिफाइंड किया है, हमारी जो कंपनी है आपको सभी प्रोडक्ट ऐसे देती है जो बीमारियों से बचाते हैं, तेल अगर आपको बीमारी के पास लेके जाता तो वो अच्छा नहीं था, इसलिए हमने थोड़ा समय ज्यादा लिया इस तेल को अच्छे से इसको बनाने के लिए, अच्छे से इसको लेकर आने के लिए आपके पास थोड़ा समय ज्यादा लिया, लेकिन अच्छा तेल बनाया ताकि आपको इसका नुकसान ना। साथ ही साथ यहाँ पर अगर आप देखेंगे, क्योंकि ये राइस ब्रैन ऑयल है, यानी कि चावल की जो छिलके होते हैं उसके तेल से बनता है, इसके अंदर ओराइजनॉल ज्यादा है जो कि दिल को स्वस्थ रखता है, ओराइजनॉल होता है एक केमिकल जो दिल को स्वस्थ रखता है, प्राकृतिक चीज है। दूसरी चीज ये है, इसके अंदर हमने
विटामिन ए और विटामिन डी सरकार की मान्यता के हिसाब से थोड़ी थोड़ी मात्रा में डाला है, ताकि शरीर के अंदर तेल के जरिए भी विटामिन ए और विटामिन डी जाता रहे। तीसरी चीज, यह ट्रांस फैट फ्री है, यानी कि जल्दी आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने नहीं देता है। तो एक बहुत ही अच्छा आपके लिए ऑल्टरनेटिव है अगर आप कोई दूसरा तेल प्रयोग करते हैं केमिकल रिफाइंड वाला, सुपर वो फिजिकली रिफाइंड राइस ब्रैन ऑयल। ध्यान रखना है इसके फायदे को, अगर आप आज अच्छे से समझ गए हैं तो जरूर आप थोड़ा सा आगे से अच्छा डिसीजन लेंगे।